मैं आपको स्वागत है। मैं तो ठीक हूँ, आशा कर रहा हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। वीडियो बनाया भी काफ़ी दिन हो गया था, क्योंकि काम का लोड कुछ ज़्यादा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। आज फिर मैं नया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जो है एक्सेस न्यू मॉडल 125 जो है, उसका एक प्रॉब्लम है, उसमें गाड़ी वाइट स्मोक देती है। तो उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है और क्या कुछ आता है वो आपको मैं बताऊँगा। तो उसमें चलिए, फिर वाइट स्मोक जब गाड़ी देती है तो उसके लिए ब्लॉक पिस्टन का काम करना पड़ता है, जिसमें कि पिस्टन रिप्लेस होता है। वाल अगर अच्छा हो तो लिपिंग करते हैं, या तो फिर नया डाल के लिपिंग करके उससे डाला जाता है, पैकिंग वैकिंग डाला जाता है। तो चलिए आपको मैं पूरा दिखाता हूँ कि कैसे क्या करते हैं, काम का जिसका होता है पूरा आपको क्लियर दिखाता हूँ। निकाल दिया है, अब उसके बाद से पूरा आपको ये कवर निकाल के और उसके बाद से आपको अंदर का सब दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इंजन की हालत की हालत देख कर समझ सकते हैं कि इसकी कैसी हालत है। ये देखिए, पूरा स्लज जमा हुआ है पूरे इंजन के अंदर, मतलब इसमें समय से ऑयल चेंज नहीं होता ये गाड़ी के अंदर। ये तो कंफर्म है कि टाइम से चेंज नहीं होता, नहीं तो इतना जमा नहीं होता। देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है डीजल इंजन, डीजल इंजन में ऑयल ऐसा ही निकलता है। हमारे गाँव में खोलते तो दिखते थे। चलिए गाइस, बाकी के इधर देखते हैं क्या है क्या नहीं। ये देखिए गाइस, तो यहाँ पे ये टाइमिंग इसमें बॉडी में यहाँ पे आता है और इसमें भी टाइमिंग अभी आपको दिखाता हूँ। ये यही पे है पर दिख नहीं रहा। ये देखिए, अरे ये है अभी, ये टाइमिंग पे है हमारा। देखिए तो गाइस, ऐसी हालत है कि इसको हम लोग देख भी नहीं सकते, टाइमिंग भी क्लियर नहीं दिख रहा है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। अभी फिर भी ये देखिए, ये चीज यहाँ लाइनिंग दिख रहा है, ठीक है, मतलब ये ऐसा, ये देखिए लाइनिंग है, ये ऐसा लाइनिंग आता है टाइमिंग का, और ये इसका डिकम्प्रेसर है, ठीक है। तो बाकी आपको हम दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी ये इतना खोल दिया है। अब ये खोलने के बाद से यहाँ पे देखिए, अंदर भी ये बोल्ट आते हैं, 8 नंबर के बोल्ट आते हैं, उसको भी खोलना पड़ता है तो ही ये ऊपर से निकलेगा, ये ध्यान रखना। Beep.
सबसे पहले पिस्टन के अंदर लॉक लगाते हैं, उसके बाद से स्प्रिंग ऑयल रिंग आती है वो लगाते हैं और उसको एकदम व्यवस्थित बिठाना होता है। फिर उसके बाद ऑयल स्प्रिंग जो रिंग आती है दोनों साइड पे एक सादी सादी रिंग आती है, जिसकी वजह से उस स्प्रिंग रिंग के अंदर ऑयल जमा रहे इसके लिए दोनों साइड से एक एक रिंग आती है वो हम लगाते हैं। वो दोनों साइड लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि जो ऑयल नीचे से ऊपर तक आती है तो स्प्रिंग के अंदर फंसी हुई रहती है, जिससे पिस्टन के अंदर लुब्रिकेंट होता है। उसके बाद से दोनों जब लगा देते हैं तो लगाने के बाद से प्रॉपर दोनों का इधर उधर भी थोड़ा रह जाएगा खांचा, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से ब्लैक कलर की आती है सेकंड नंबर की रिंग, कंप्रेसर रिंग दो आती है इसके अंदर, तो पहले ब्लैक वाली लगाते हैं, दो नंबर वाली। दो नंबर वाली लगाने के बाद से एक नंबर पे आती है जो स्टील जैसी आती है चमकती, एक नंबर उस पर लिखा भी रहता है, उसको लगाते हैं। उसके बाद से ये अपना पिस्टन कंप्लीट। और इसकी रिंग के दोनों साइड का जो मुंह होता है अपोजिट में रखा जाता है, एक साइड से दूसरे साइड पे। देखिए फ्रेंड्स, तो दूसरी साइड लॉक लगाने के लिए जब पिस्टन लगा हो ना तो साइड पे पेपर या तो कपड़ा लगा देते हैं, नहीं तो ये लॉक छटक के इंजन में भी चला जाता है, इसके लिए कपड़ा या पेपर लगा देते हैं। मैग्नेट को है ना टाइमिंग पे रखते हैं, देखिए एकदम टाइमिंग पे है और पिस्टन लगाएंगे, पिस्टन ऐसे ऊपर है, टॉप के ऊपर है, मतलब टाइमिंग पे ही है, वो चीज़ ध्यान देनी है। टाइमिंग को ऑटोमेटिक आ जाती है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। उसके बाद से टाइमिंग गाइड लगा करके उसके बाद से हेड रोड फिटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो अभी टाइमिंग एकदम सीधा सीधा ही रखना है इसको, ये ध्यान रखना है। उधर हमने टाइमिंग लगाया था, अभी उसको स्ट्रेट ही रखेंगे। उसके बाद से डी कंप्रेसर वाला जो है वो पिन लगा करके उसको लॉक करेंगे, फिर बोल्ट लगाएंगे टाइमिंग चक्कर का। मैं तो लाने, अरे मैं इसका लाने कौन?